I see. I tell you things you won't believe. Above the skies, oversee. Assalamualaikum. This is Tala Khan. Welcome to my YouTube channel, Tala Khan Vlogs. में खुश आमदीद कहते हैं. पुराने हो तो जी लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, ज्यादा पुराने जी तो कमेंट भी कर दें, बाकी इंस्टाग्राम पे जी फॉलो करें. बाकी आज की स्टोरी जो है बड़ी शॉर्ट सी है, इतनी कोई लंबी आज हम करेंगे नहीं. आज हम जा रहे हैं जी ग्रीन बस का व्लॉग बनाने. हमने सोचा जी ग्रीन बस, हमने अभी तक सफ़र नहीं करा ग्रीन बस में, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार ग्रीन बस का हमारा सफ़र कर लिया जाए. क्या बोल दिया पब्लिक. सही है. बाकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है. बाकी उसमें हम जो है आपको सब कुछ बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक का इस ग्रीन बस का सफ़र है, कितना टिकट है. लेकिन हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ हमारे एक अच्छे से दोस्त है शबाज भाई, जिसको हम बोलते हैं प्यार से शबाना. वो हमारी शबाना है, वो हमारी दोस्त है. तो अभी हम सबसे पहले उनके पास जाएंगे, उसके बाद फिर वो दरअसल उसके क्या बोलेंगे ग्रीन लाइन का जो स्टॉप है ना उसके बिल्कुल करीब रहते हैं. तो हमारी जो बाइक है हमारी धन्नो, वो उनके घर पर खड़ी कर देंगे. तो हमें काफ़ी टाइम से बड़ा ये इशू हो रहा था कि जी हम अपनी बाइक कहाँ खड़ी करेंगे अगर हम ग्रीन बस में सफ़र करने निकल जाएंगे. तो हम क्योंकि हम अपनी बाइक से ना बड़ी मोहब्बत करते हैं. सही है. तो चलिए बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए यारा, इंस्टाग्राम की आईडी. संडे के दिन कराची की सड़कों पे तलहा खान हाजिर है फोटो व्लॉग करते हुए. वैसे संडे को बड़ा सुकून होता है यार, जो बात है माड़ा, क्या बात है, क्या बताया बस, क्या बात है. तो चलिए चलते हैं कराची की सड़कों पे सफर करते हुए. You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies, oversee. एशिया का सबसे बड़ा मॉल हमारे सामने है, लकी वन. आप भी आए, अपने घर वालों को भी लाए और बच्चों को भी लाए, शॉपिंग करें, जो कर रहे करें. इतना बड़ा मॉल है कि आप घूमते रह जाएंगे और ये पूरा खत्म नहीं होता है, इतना बड़ा है. चलते रहिए आगे. ये देखिए जी, ये भी स्टॉप बना हुआ है ग्रीन बस का. मतलब इसी तरह के डिफरेंट स्टॉप्स बने हुए हैं ग्रीन बस के. और अभी हम आ गए हैं जहाज चौरंगी पे. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब. और आज हम आपको ग्रीन बस की सैर कराएंगे. और भाई ग्रीन बस बेसिकली हमने कितना टाइम हो गया अभी तैयार हुए, मतलब कब से चल रही है. हम तो आज बता रहे हैं दिसंबर से चलना शुरू हुई है, 25 दिसंबर से. और इसका हमका यौम विलादत था, तो उस दिन हमारे खान साहब ने चलाई है. ठीक है. और ये मतलब वजूद में कब आई है. दिसंबर में. मतलब और इसके जो वो है कर्ता धरता कौन थे. कर्ता धरता इसकी संगे बुनियाद रखी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने. सही. और उसके बाद फिर हमारे खान साहब ने इसको मुकम्मल किया. तकरीबन इसको 6 साल लग गए चलते बनते बनते. मतलब हम बोल सकते हैं कि ग्रीन बस की वजह से हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ गई. जाहिर सी बात है, बजट हमारा आउट हो गया. ग्रीन बस भाई ये क्या हो गया, इतना महंगा हो गया है कि बस सारा वहीं चल रहा है. खैर बाकी अब हम जा रहे हैं. हमने जैसे आपको बताया था शहबाज भाई के बिल्कुल घर के सामने की साइड पे जो है ना स्टॉप है और बाइक हमारी यहाँ पे खड़ी हो गई. हमें बाइक की टेंशन थी इसलिए हम व्लॉग बना नहीं पा रहे थे ग्रीन बस का. तो फाइनली आज हमें मौका मिल गया और बाकी चलते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी ग्रीन लाइन का सफ़र. ये वो है सामने ग्रीन बस, वहाँ पर हमें जाना है. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी, तो ये है भैया ग्रीन स्टेशन हमारा. सही है. ये है टिकट बूथ. ये जो ये जाती है अब्दुल्ला चौक केडीए करीमी सरियानी 2 मिनट चौरंगी रोड 2400 पावर हाउस. ये सारे इनके स्टेशन लिखे हुए हैं और यहाँ पे मिलेगा हमें टिकट. ये हमारे आ गई भैया टिकट. अच्छा, पर टिकट पर पर्सन 55 रुपये का टिकट है. ये लीजिए टिकट, दिखाइए ज़रा टिकट. टिकट हमारे ऐसा मिल जाएगा, उस पर क्या लिखा हुआ. सही 55 रुपये का टिकट है मेरा भाई. 55 रुपये वाला गेट पे आ जाओ मेरा भाई. अच्छा यहाँ से ओड़े भाई फुल, मतलब महंगी वाली भाई, महंगी वाली लगाई हुई है ये फुल. फाइनली भी अभी ऊपर आ गए और ऊपर क्या स्टेशन बनाया हुआ है भाई, ऐसा लग रहा है. हाँ भाई फुल बैंकॉक शैंकॉक में घूम रहा है और बेहतरीन.
अच्छा जी एक मसला हो गया, मास्क तो लाना भूल गए, मास्क तो लाए नहीं हमारे पास है। मसला ये हो गया कि हम मास्क लाना भूल गए, मास्क हमारे पास भी नहीं है और शहबाज भाई के पास भी नहीं है, तो हम पहले मास्क लेते हैं उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। मास्क एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे चाहिए और पान के केबिन पे ज़रूर मिलती है। पान के केबिन पे ये तो है मुंह छुपाने के लिए। तो फाइनली ये आ गई है ग्रीन बस, और मतलब फुल एक ट्रेन लग रही है भाई, एक ये जा रही ग्रीन बस, ये आ रही है अभी हम जाएंगे, मतलब क्या बनाई है भाई है। चलो चलो ये अब हम जा रहे हैं अंदर भाई इंटरेस्ट से। सही है भाई, अस्सलाम वालेकुम। सही है भाई, ये यहाँ पे टिकट स्कैन हो रहा है, चले अरे देर हो रही है, चलो ये हमारा टिकट स्कैन हो जाता है, इसके बाद फिर हम आगे जा रहे हैं। मतलब क्या बेहतरीन बनाया यार, बोल वाह वाह। चलो 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 देर हो रही है, चलिए चलिए चलिए। अबे ये कहाँ जा रही है ये, अबे इतनी जल्दी चली गई, अबे इतनी जल्दी जल्दी तो हम आए। मतलब क्या माशाल्लाह स्टेशन बनाया, वाह भाई बेहतरीन, मतलब है। चलिए जी हमारी बस आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं, चलिए चलिए। ये बस भाई बेहतरीन, सवाल आ गया। अच्छा जी बेहतरीन, मतलब बता रही है भाई पावर हाउस चौरंगी अब आने वाली है, ये नया स्टेशन है। सही है, अभी हमने देखा कि सामने यूएसबी केबल है, यूएसबी स्लॉट लगी हुई है और हम मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, क्या बात है। मतलब अभी अंधेरा, केबल अपनी लानी होगी। हाँ केबल अपनी लानी होगी, ये नहीं और कुछ लोग तो पता नहीं ऐसी केबल ना लिया है कि पूरी बस जोड़ जाए, पूरी वायरिंग ख़राब हो जाए, वो पता चले भाई वो चाइना का ठेले वाला चार्जर लगा दिया तो सारी शॉर्ट सर्किट हो गई भाई अंदर। तो पैसे कम थे, जॉइंट लगा है, ये जॉइंट लगाया है ना। हाँ यही मैं देख रहा हूँ, मतलब पूरी बस मतलब समझ नहीं आया इन्होंने जॉइंट क्यों कर दी, मतलब अच्छा छोटी पड़ रही होगी, उन्होंने बोला होगा भाई ये तो छोटी है बस, उन्होंने जॉइंट लगा दिया बीच में, ये हिलता फिर यूँ। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back. ये बेचारी जो लेडीज बैठी हुई है ना ऊपर, ये जो बोल रही है कि जुम्मा बाजार रखा है, तो बात कौन कौन से एनखार, इस बेचारी को इतनी मुश्किल से सिखाए होंगे ये इंग्लिश वर्ड से, बेचारी जो है ना एकदम से बेचारी उर्दू स्पीकिंग बन चुकी है वो। बस ना उठ जा, हो गई हो गई भाई, तो ज़्यादा देर तक सो गया था, बोला एक्टिंग कर दिया सो गया। फाइनली जी ये हमारा आखिरी शो आ गया है, बाकी हम बाहर निकल के बात करते हैं कि कैसा रहा हमारा ये सफर। ये जो स्टेशन बनाया हुआ है ये अंडर पास की तरह बनाया हुआ है, और मतलब आप देख सकते हैं, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्या बनाया हुआ है, मतलब क्या क्लास का बनाया है, मतलब एकदम आपको ऐसा लगेगा कि बैंकॉक में बैठे हैं, बैंकॉक थाईलैंड वगैरह, मतलब सारा भाई अब समझ में आया कि महंगाई बढ़ क्यों रही, महंगाई इसी वजह से बढ़ रही है कि इतना खर्चा जो हो गया है यहाँ पर, जाहिर सी बात है इतना खर्चा हो गया तो यहाँ की वजह से जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। खैर अब क्या कर सकते हैं जी, और क्या है आगे, आगे बस वैसे खड़ी हुई है, कभी नहीं जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। अभी हम वहाँ से ऊपर आए, तो ऊपर आए हैं तो फिर ये यहाँ पे इस तरह बना हुआ है, नो एंट्री। अच्छा अब वहाँ पे जा रहे हैं, अभी हम कहाँ जाएंगे, टॉयलेट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे सारे, और ये टिकट है। अच्छा अभी हमें अपना टिकट मिल जाए, बैतुल खिला वाशरूम
इतनी गहरी उर्दू शहबाज भाई, बैतुल खिला खाला बैतुल खाला। चले अच्छा अभी टिकट नहीं मिल रहा भाई, ये जाने हैं ले लीजिए टिकट। चलिए आ जाए क्या बोल रहा है वेस्ट है हमने बोला शायद वापसी चल जाए, हमने बोला वेस्ट है भाई 55 रुपये फिर खर्च करो क्या हो गया, मतलब एसी में बैठ के आप लोग पागल वागल तो नहीं हो गए। ये क्या लगा हुआ है? अच्छा टिकट वेंडिंग मशीन। अच्छा अच्छा टिकट इस तरह मतलब, अच्छा इनका कार्ड जो होगा ना जो है कैसे मतलब ये कैसे निकलेगा? अस्सलाम वालेकुम जी सर, इसकी क्या मशीन ये किस चीज़ के लिए? अच्छा ये कार्ड के, जो जिसका कार्ड वगैरह बनता है। सही ठीक है, मतलब ये जिन लोगों का कार्ड वगैरह बनता है तो ये वहाँ से अपना टिकट वगैरह निकाल सकते हैं, बाकी जिसका कार्ड नहीं है हम जैसे लोग का, वो हम सामने से टिकट बूथ से हम जाके टिकट घर टिकट बूथ हाँ तो हम वहाँ से हम जाके टिकट ले लेंगे। चलिए जी तुलसी सामने निकले भाई, मतलब सोच भी नहीं सकते हम यहाँ पे निकलेंगे, मतलब चेक कर रहे हैं कि हम नुमाइश पे निकले, क्या बात है, मतलब कायदा के मज़ार पे, मतलब आराम फरमा रहे हैं। हाँ मतलब हम इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच गए, क्या बात है जी, हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है तो आज हमारा एक और भी प्रोग्राम था खान कोच की बस पे छत पे चढ़ के। हाँ ये हमारे शहबाज भाई का प्रोग्राम था कि खान कोच की बस पे चढ़ के हम सीवी पहुंच जाएंगे, लेकिन भाई मुश्किल है गर्मी, सूरज साहब बोल रहे हैं स्किन हमारी खराब हो जाएगी, पुलिस काम करते हुए। हाँ बच्चे सलाम कर दो, हाथ हिला दो। हाँ कैसा लग रहा है तुमको? बस चल रही है हमारी यहाँ पे वाइफ सी है फुल सख्त, मतलब ये रोड अभी इतने आपको इतने अच्छे लग रहे हैं? खाली खाली, वरना यहाँ पे इतना कोई रश होता है ना, भीड़ भाड़ होती है बाबा। पहले तो थोड़ा बाहर आए थे, थोड़ा हम देखने के, हम कहाँ निकले? हम निकले कायदे आजम के मज़ार पे। उसके बाद हमने फिर एक चीज़ क्या देखी कि पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं ये खड़ी, ये फैमिली उतरी और सीधा ग्रीन बस के लिए फिर ये रवा दवा हो गई, मतलब हमारी आवाम भाई घूमने फिरने के लिए भाई पागल है, मतलब कोई नया चलो नया चला है तो चलो भाई इंजॉय कर लेते हैं, अपनी महंगी तरीन गाड़ी छोड़ के मतलब बंदा अपने बच्चों को लेके बस में जाके सफ़र करेगा। मियाँ साहब ने ये गरीबों के लिए स्टार्ट की थी, लेकिन सब इसको पिकनिक के लिए सब भाई यूज़ कर जो बात है, हम भी पिकनिक बनाने आए, हमने कहा जी चले जी संडे है तो जी चले जी व्लॉग का व्लॉग और थोड़ा इंजॉय का इंजॉय हो जाएगा, लोग इंजॉय कर रहे हैं भाई ग्रीन बस को। खान साहब आप महंगाई और मत बढ़ा देना कि लोगों के पास इतना पैसा इंजॉय करने के लिए। सही है यार 55 रुपये में लोग इंजॉय कर रहे हैं और क्या चाहिए। चलो अब हम वापसी जा रहे हैं, अब हमने वापसी का टिकट ले लिया है, अब वापसी हम जाएंगे। कौन सा इलाका है आपको? आयशा कॉम्प्लेक्स। आयशा कॉम्प्लेक्स हमारा जस्ट स्टॉप है ना, आयशा कॉम्प्लेक्स, अभी हम वहाँ पे वापसी जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम आपको ग्रीन बस की ट्रेन की सैर दोबारा करो, दोबारा रुक जाए।